कुछ दिन पहले बल्ली गिर जाएगा प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया और उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहली बार उन्होंने पत्रकार से मतलब वो उनका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो किया और पत्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सफाई दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, वगैरह वगैरह ने मुझे क्लीन चिट दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफाल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफाल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाई और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। मैं रोज डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी मैं आपको डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ, नैतिक जीत आपको मैं देखिए मैं हर रोज चैलेंज कर रहा हूँ और मैं फिर से चैलेंज करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में कहा है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, आइए आइए मेरे साथ मेरे सामने आइए, मिलकर हम भ्रष्टाचार पे देश के सामने डिस्कस, नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ आइए, प्यार से डिबेट करते हैं, देश राफाल मामले के बारे में जानना चाहता है, भ्रष्टाचार के बारे में जानना चाहता है, नोटबंदी के बारे में जानना चाहता है, अमित शाह के पुत्र के बारे में जानता है। दो मिनट आ जाइए, 15 मिनट बात कर लीजिए हमारे साथ, कहाँ पे सर, कहाँ कराना चाहते हैं, लेटर वगैरह, नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट करना चाहे, टीवी पे डिबेट करना, प्लीज भैया डिबेट करना चाहे, मैं देश को बता रहा हूँ कि राफाल मामले में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हुआ है, चौकीदार जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं और चौकीदार मुझसे डिबेट करना नहीं चाहता है, क्योंकि चौकीदार जी जानते हैं कि जिस दिन मेरे साथ उन्होंने डिबेट कर दिया भ्रष्टाचार, वो हिंदुस्तान की आंख में आंख नहीं मिला। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरा देश कह रहा है चौकीदार के बारे में, कह रहा है कि चौकीदार ने चोरी की है और आज बहुत खुशी का दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की बात की है, जस्टिस हैज प्रिवेल्ड, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड चौकीदार ने चोरी की है।